हाय, तो एक बार फिर से मेरे किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो विंटर चल रहे हैं तो विंटर स्पेशल रेसिपी ही आप लोगों को पसंद आने वाली है। तो मैंने सोचा आज फिर से एक बाजरे के आटे की रेसिपी आप लोगों के लिए लाई जाए, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपने मीठी तो बाजरे की रेसिपी मेरी देख ली, अब हम नमकीन रेसिपी बनाएंगे। तो उसके लिए ना मैंने बाजरे का आटा लिया, लेकिन इसमें कोई ऐसा मेज़रमेंट नहीं चाहिए आपको, जितनी बनानी है आप उतना आटा ले लीजिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे तिल, तो आप तिल कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि तिल भी बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार डालें। साथ ही मैं इसमें ये भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ, और इसमें हम डालेंगे उबला हुआ आलू। तो उबाल के आलू को ठंडा कर लीजिए और कद्दूकस करिए, हाथों से मैश नहीं करना है, नहीं तो उसमें मोटे मोटे गुठले रह जाएंगे और रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। उसके बाद हमने डाला है इसमें कटा हुआ हरा धनिया और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें। और साथ में ही मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च, ये कलर वाली लाल मिर्च है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डालना है। और ये फिर तीखा लाल मिर्च, साथ में ये पिसा हुआ धनिया है। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल देते हैं थोड़ा चटपटा करने के लिए। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और आप सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ, इससे जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है, जिससे बच्चे ना बहुत ही प्यार से खाते हैं, क्योंकि बाजरे का कलर जो होता है थोड़ा सांवला सांवला होता है, तो बच्चे उससे आनाकानी करने लगते हैं। और ये ना बहुत ही टेस्टी बनती है, चाहे आप गेहूं के आटे की या मैदा की, बेसन की, सूजी की, किसी भी आटे की बना लीजिए, लेकिन जो ये बाजरे के आटे की मैं मठरी बनाने जा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं, बहुत ही कुरकुरी बनती हैं। और इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हो, कहीं जा रहे हो तो ले जा सकते हो। तो यहाँ बॉयल आलू कम से कम मीडियम साइज़ के 5 से 6 लग गए हैं, और मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, सिर्फ आलू से ही इसको मैं आटे को गूंथूंगी। और एक अच्छा सा डो बना लेना है, इसका लूज़ डो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा सख्त डो बनाना है। तो बिल्कुल भी पानी हमें नहीं डालना है, उतना आलू डालेंगे जिससे कि आटा जो है हमारा वो अच्छे से एक डो के फॉर्म में आ जाए। तो बस बहुत ही अच्छे से देखिए, आटे को मैंने पूरा आलू के साथ ही एक डो बना लिया है। इससे क्या है ना, हमारा जो मठरी बनेगी ना वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगी, ख़राब नहीं होगी, क्योंकि पानी नहीं डला है इसमें। और बहुत ही अच्छे से आटा इसका गूंथ के तैयार हो गया है। साथ में मैंने ना इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल लिया था, तो आप इसमें मोयन के लिए ऑयल भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगाऊंगी और छोटी छोटी सी इसकी लोई बना के, या तो आप हाथों से प्रेस कर लीजिए और हाथों से ही बना दीजिए, बहुत आराम से बन जाती हैं छोटी छोटी सी, देखिए बहुत ही प्यार से बन जाती हैं। और अगर आपसे नहीं बन रही तो आप चकले पे भी बना सकते हैं, पॉलीथीन लगा के भी बना सकते हैं, तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे बना लें। यहाँ देखिए मैंने चकले पे भी बनाई है, तो चकले पे भी आप आराम से बना सकते हैं, बल्कि मुझे ना हाथों से भी बनाना इसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और धीमी आंच पे यानी मीडियम फ्लेम पे हमें इसको सेकना है, जिससे कि अच्छे से करारी करारी हो जाए। और जो ऑयल भी है हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, तो मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको सेकेंगे, मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे। इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। और जब थोड़ी सी देर ये पक जाए तो करछी से इसके ऊपर से ऑयल डालेंगे, बहुत अच्छे से पक जाती हैं, बिल्कुल टूटती भी नहीं है, बहुत अच्छे से सेकेंगी। जैसे रोटी जब हम बनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, वो सारी दिक्कतें भी इसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगी, बहुत ही क्रिस्पी सी ये बन जाती हैं। और इनको ना थोड़ा सा हवा में रखिए जब तक कि ये ठंडी ना हो जाए पूरी तरीके से, और ठंडी होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा करारी हो जाती हैं। और इनको आप चाय के साथ इंजॉय करें, चटनी के साथ, अचार के साथ, किसी के भी साथ इंजॉय करें। अगर आप सफ़र में जा रहे हो तो इनको ले जाइए, बहुत इंजॉय करेंगे। और पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाए, और अगर नहीं पसंद आई हो तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो ओके फ्रेंड्स, खाएं पिए और इंजॉय करें। बाय, टेक केयर।